G7 शिखर सम्मेलन के लिए 19 से 21 मई तक पीएम मोदी जापान के शहर हिरोशिमा में रहेंगे। इस सम्मेलन में वो विश्व के कई नेताओं से मिलेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के साथ मिलकर शांति, स्थिरता, धरती की समृद्धि, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी जापान से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा भी करेंगे और 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।